Kashika, welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Today I'll be talking about some good hair care habits that can actually make your hair long, healthy, voluminous. And no, मैं बिल्कुल भी हेयर केयर रूटीन नहीं बताने वाली कि शैम्पू ये लगाया करो, कंडीशनर ये लगाया करो. इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीजें होती हैं जो हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते और उन्हीं चीजों की वजह से हमारे बाल डैमेज होते हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, बाल डल हो जाते हैं, फ्रिजीनेस बहुत ज्यादा होती है. तो वो जो छोटी-छोटी चीजें ना मैं आज आपको प्रॉपर बताने वाली हूँ और मैं कैसे कैसे अपने बालों को मेंटेन रखती हूँ अपार्ट फ्रॉम यूजुअल हेयर केयर रूटीन, वो भी मैं आपको बताऊंगी विद लोड्स ऑफ कशिका ज्ञान जो मैं देती रहती हूँ. सो अगर आप न्यू आए हो मेरे चैनल पर, हाय माय नेम इज कशिका, आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू एक्ने, स्किन केयर, ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीजों के बारे में हम यहाँ बात करते हैं. सो प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. हेल्दी हेयर टिप नंबर वन इज टू ऑलवेज फॉलो द राइट हेयर वॉशिंग एंड ड्राइंग टेक्निक. अब आप बोलोगे बाल धोने और सुखाने में कौन सी टेक्निक होती है कशिका, ये तो सब हमको पता है कि कैसे धोते हैं सुखाते हैं. लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, जब भी हम बाल्टी या टम्बलर से नहाते हैं या फिर हम शावर से भी नहाते हैं, शावर से मैक्सिमम केस में हम ऐसे ही नहाते हैं, हम खड़े होकर अपने बालों को हेयर वॉश देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट गुड फॉर योर बैक. जो भी लोग कंप्लेन करते हैं ना कि हमें बैक एक्ने होते हैं, यही मेजर रीजन है आप इसे खड़े होकर अपना हेयर वॉश करते हो. जितना भी गंक होता है आपके स्कैल्प पे, जितना भी डैंड्रफ या जो भी गंक होता है, वो सब निकल के आपकी बैक पे जा सकता है, आपके बॉडी पे क्लॉगिंग हो सकती है, आपके इस एरिया में कहीं ना कहीं रैशेस हो सकते हैं, क्या पता आपका शैम्पू कंडीशनर या वो रिएक्शन दे रहा हो आपकी स्किन के ऊपर. सो द बेस्ट टेक्निक हेयर वॉश करने की है फ्रंट में बेंड होकर फिर अपने बालों को धो. इनफैक्ट मैं तो जब ऑयलिंग या मसाजिंग भी करती हूँ ना, मैं वो भी फ्रंट में बेंड होकर करती हूँ. इसको एक ग्रेविटी का ही एक कंसेप्ट कहते हैं कि आपके बाल भी उसे अच्छे से क्लेंस हो जाते हैं, जो भी डर्ट गंक होती है वो इजिली निकल जाती है, आपके बॉडी के ऊपर नहीं आती. प्लस ग्रेविटी की वजह से कहीं ना कहीं वो हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है, आपके रूट से कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता है आपके हेयर ग्रोथ को. कमिंग टू हेयर ड्राइंग टेक्निक, इसमें भी काफी लोग गलती करते हैं. हेयर वॉश करने के बाद अपना बॉडी का ही टावल ले लेते हैं, बड़ा सा उसको रैप कर लेते हैं, इतना टाइटली उसको रैप करके ऐसे पीछे की तरफ करते हैं, ये वाला पूरा एरिया आपका खिंच रहा होता है इतनी बुरी तरीके से. एंड वेट हेयर जब खिंचता है ना, वहाँ पे हेयर फॉल होने के ज्यादा चांस होते हैं. तो कभी ऐसा मत किया करो. बेस्ट थिंग इज आप कोई भी अपनी कॉटन की पुरानी टी शर्ट ले सकते हो, उसमें अपने बालों को रैप कर सकते हो, वो जितना भी एक्सेस वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. या फिर आप प्रॉपर ले सकते हो एक माइक्रोफाइबर हेयर टॉल, वो एकदम परफेक्ट रहता है, वो आपके बालों को एक्सेस वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत जल्दी आपके बालों को सुखाता है. एट द सेम टाइम जो माइक्रोफाइबर होता है ना, वो कम से कम फ्रिजीनेस देता है आपके बालों को. हेल्दी हेयर हैबिट नंबर टू इज टू ऑलवेज चूज द राइट हीट स्टाइलिंग टूल. हम सबको अपने बालों को स्टाइल करना बहुत पसंद है, कभी कर्ल करते हैं, स्ट्रेटन करते हैं, कभी कोई क्रिम्पिंग कर लेता है, इन सब में हीट काफी लगती है आपके बालों पे. तो सबसे पहले तो आपको हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे यूज करना है विदाउट एनी डाउट, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है. प्लीज डायरेक्टली अपने हेयर को स्टाइल मत किया करो, चाहे ब्लो ड्रायर भी आप यूज करते हो हीट मोड पे, तभी भी कोई अच्छा सीरम या फिर हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे लगाया करो ताकि आपके बाल जल्दी डैमेज ना हो. अदर देन दैट हमेशा अपना स्टाइलिंग टूल सोच के यूज करो. फॉर एग्जाम्पल मेरे बाल आप देख सकते हो काइंड ऑफ स्ट्रेट ही है, इतने ज्यादा वेवी नहीं है. मैंने जस्ट अभी हेयर कट भी लिया तो उससे भी काफी अच्छा एक स्मूथिंग इफेक्ट आया है. लेकिन मेरे जो हल्के हल्के वेवी बाल है ना, मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे कहीं जाना होता है मैं अननेसेसरी प्रेसिंग मशीन नहीं यूज करती. मैक्सिमम लड़कियां जिनके ऑलमोस्ट स्ट्रेट बाल होते हैं, हल्के से वेवी बाल होते हैं, प्रेसिंग मशीन उठाती हैं, उसको यूज करना शुरू कर देती हैं. इसकी हॉट प्लेट्स के बीच में आपके बाल जब दबते हैं ना, उसमें हेयर आपके डैमेज होने का ज्यादा चांस होता है. सो व्हाट आई प्रेफर, आई डोंट यूज प्रेसिंग मशीन वेरी ऑफन. मैं खाली इनको मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तभी यूज करती हूँ. अदरवाइज वैसे अगर मुझे इधर उधर जाना होता है, मुझे अपने बालों को थोड़ा सा टेम डाउन करना है, मैं ऐसे हॉट ब्रशेस का यूज करती हूँ. दोनों ही बाय द वे एलन ट्रूमन ब्रांड के हैं, मैंने दोनों का एक रिव्यू कंपैरिजन ऑलरेडी किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो. सो ये बेसिकली क्या है, इसमें मेरे बाल है, मैं निकाल देती हूँ. ये हॉट ब्रश है. सो इसमें क्या होता है, जो ब्रशेस होते हैं जैसे रेगुलर हमारा हेयर ब्रश होता है, इसकी शेप बिल्कुल वैसी है. इसमें हेयर ब्रशेस के अंदर एक हॉट प्लेट्स है, तो जब आप इसको एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे गर्म करके थोड़ी देर छोड़ देते हो, ये हीटअप हो जाता है. एंड व्हाट आई डू, आई जस्ट गो थ्रू दिस लाइक दिस ओनली. तो जितने मेरी यहाँ पे फ्रिजीनेस होती है, जो भी वेवीनेस होती है, वो कहीं ना कहीं टेम डाउन हो जाती है. मेरे बाल एकदम स्ट्रेट नहीं लगते, दिस इज नॉट फॉर हेयर स्ट्रेटनिंग, लेट मी जस्ट क्लियर इट. लेकिन कहीं ना कहीं वो टेम डाउन लगते हैं और इससे मेरे जो बाल है वो कम से कम डैमेज होते हैं, बिकॉज में हीट जो प्लेट्स है वो मेरे बालों को दबा नहीं रही, वो खाली हीटिंग जो प्लेट्स है उसमें मेरे बाल जब टच होंगे ना, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटन अप हो जाएंगे. दैट्स इट. हेल्दी हेयर हैबिट नंबर थ्री इज टू ऑलवेज फोकस ऑन प्री हेयर वॉश नरिशमेंट. मैं अपने मैक्सिमम हेयर केयर रूटीन्स के अंदर यही बोलती हूँ कि शैम्पू कंडीशनर कितना भी लगा लो, लेकिन अगर आप शैम्पू से पहले जो प्री हेयर वॉश नरिशमेंट होती है ना, उस पर अगर फोकस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला. बिकॉज शैम्पू का काम होता है आपके बालों को क्लेंस करना, कंडीशनर या हेयर मास्क का काम होता है आपके बालों के लेयर के ऊपर कहीं ना कहीं एक अच्छी शाइन देना. लेकिन उससे पहले जो आप प्री हेयर वॉश नरिशमेंट करते हो ना, वो आपके रूट्स के ऊपर वर्क करती है. और जब
आपके रूट्स हेल्दी होंगे ना, तभी आपके बाल हेल्दी होंगे, आपकी हेयर वॉल्यूम बढ़ेगी, आपके बालों की क्वालिटी इंप्रूव होगी। एंड नॉट जस्ट रूट्स, मैं आपको जो प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ वो आपने ओवरऑल बालों पर भी यूज कर सकते हो। आई एम टेस्टिंग आउट दिस वन सिंस वन मंथ एंड डेफिनेटली आई कैन से मुझे काफी पसंद आ रहा है। ये कामा आयुर्वेदा का ब्रिंगादी केश लेपम नरिशिंग एंड रिस्टोरिंग प्री हेयर वॉश मास्क, ये न्यूट्रिएंट रिच एलेक्सर है फॉर हेल्दी हेयर एंड स्कैल्प। सो इसकी बॉटल फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई लव द वे ये इतना कन्वीनियंट है ना यूज करना। मैं काफी बार जब ऐसे हेयर मास्क लगाती थी ना शैम्पू से पहले, मुझे कोई गंदी सी टी शर्ट पहननी होती थी बिकॉज वो सब गिरता था ऐसे हाथ से, जब आप कुछ भी मास्क लगाओ ना सब ऐसे गिरता था, ड्रिप होता था। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इसमें नोजल है ऊपर एंड वंस यू ट्विस्ट इट ये ऐसे ओपन हो जाती है और यहाँ से प्रोडक्ट बाहर आता है। ब्राउन कलर का इसका एक पेस्ट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट बाहर आता है। सो ये बेसिकली क्या है, ये प्री वॉश हेयर मास्क है। सो आप इसको अपने रूट्स पे लगा सकते हो, आप इसको अपने बालों पर लगा सकते हो, ये आपके रूट्स को कहीं ना कहीं नरिशमेंट देता है। सो इफ आई टॉक अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये काफी एक यूनिक आयुर्वेदा बेस्ड फॉर्मुलेशन है जो इनरिच्ड है बोटानिकल एक्सट्रैक्ट एसेंशियल ऑयल जो स्ट्रेंथन करते हैं, रिपेयर करते हैं हमारे फ्रजाइल एंड डैमेज्ड हेयर को। सो अगर मैं इसकी बात करूं इनके इंग्रेडिएंट्स की, सबसे पहले है इसके अंदर शता पुष्पा जो बेसिकली पैसिफाई करता है इम्बैलेंसेस को, रिड्यूस करता है हेयर फॉल को। फिब्रिंग राज है इसके अंदर जो बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट होता है, हेयर के प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को। इसके अंदर गूसबेरी भी है, इंडियन गूसबेरी जिसको हम आंवला बोलते हैं, वो पावर हाउस होता है विटामिन सी का। हम सबको पता है आंवला हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है, तो ये भी हमारे बालों की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। डैंड्रफ को भी ये कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर इसके अंदर लिकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट है जिसको हम मुलेठी भी बोलते हैं, वो स्कैल्प का कोई भी इन्फेक्शन या जो भी होता है ना इरिटेशन उसको कम करता है। इसके अंदर इंडिगो भी है जो रिवाइटलाइज करता है, कंडीशन करता है आपके बालों को। एंड लास्ट इसके अंदर प्योर रोजमेरी ऑयल है जो इंप्रूव करता है स्कैल्प एंड हेयर हेल्थ को। प्लस उसे एक बहुत अच्छी इसमें फ्रेग्रेंस आती है, प्योर लैवेंडर ऑयल भी है इसके अंदर जो कहीं ना कहीं हमें कामिंग सेंसेशन देता है। आई लव द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस वन, बहुत अच्छी कामिंग सेंसेशन है। बाय द वे ये जो प्रोडक्ट है ना इट इज फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव कलरेंट पेट्रोकेमिकल्स एंड फ्रेग्रेंसेस। आपने देख ही लिया होगा मैंने इसको कैसे अपने बालों पर मसाज किया, रूट से लेके मैंने पूरे बालों पर भी इसकी एक अच्छी लेयर लगा ली थी। आप इसको हेयर वॉश से आधा एक घंटे पहले इजिली लगा सकते हो, एक दो घंटे जितना छोड़ोगे इसको अपने बालों पर उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके बालों को बहुत अच्छे एक नरिशमेंट देगा। एंड आई थिंक सच प्रोडक्ट्स आर बेस्ट फॉर नाइस हेयर ग्रोथ। आप बाकी शैम्पू कंडीशनर हेयर मास्किंग इसके बाद करते रहो, नो इशू। आप कामा आयुर्वेदा की रेंज ही यूज कर सकते हो इसको रिंस ऑफ करने के लिए। वन कशिका ज्ञान है, आप जो ऐसे हेयर मास्क लगाते हो जो आपके रूट्स के लिए भी सेफ होता है, जैसे ये आप डेफिनेटली अपने पूरी स्कैल्प पे यूज कर सकते हो। मेक श्योर आप इसको अच्छे से मसाज करो, आप वीडियो में देख सकते हो मैं आराम से बैठ के इसको बहुत अच्छे से मैं इसको मसाज दे रही हूँ। आप जितना ऐसे प्रोडक्ट्स को एक अच्छी मसाज दोगे आपके जो स्कैल्प होता है ना उसका कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका हेयर ग्रोथ बूस्ट होगा। प्लस इसके अंदर एक पावर एक फील आती है बिकॉज लैवेंडर ऑयल है, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है, तो उसकी खुशबू से भी बहुत अच्छी कामिंग फील आती है। तो आप जितने अच्छे से अपने बालों को पैम्पर करोगे ना आप अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। इसकी यूसेज की बात की जाए आप इसको वंस अ वीक यूज कर सकते हो। मैं वंस अ वीक जब सैटरडे संडे फ्री होती हूँ मैं वीकेंड पे इसको अच्छे से अप्लाई करती हूँ, मसाज करती हूँ एंड देन आई जस्ट वॉश माई हेयर। ये इजिली रिंस ऑफ भी हो जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि इसको रिंस ऑफ करने में मुश्किल होती है, हटता नहीं है, काफी पेस्ट जैसा ये मास्क है ना तो इजिली मेरे बालों से हट भी जाता है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको रिंस ऑफ करने में। सो ओवरऑल आई लव दिस वन, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। हेल्दी हेयर टिप नंबर 4 इज टू स्विच टू सैटन स्क्रंचीज। आजकल भरमार है सैटन स्क्रंचीज की, आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, लोकल मार्केट्स में आप जाओगे हर जगह आपको अच्छी क्वालिटी की सैटन स्क्रंचीज मिल जाएगी। प्लस दे लुक वेरी गुड, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छी एक्सेसरी भी बन जाती है। जैसी बड़ी बड़ी स्क्रंचीज आती है मैं पर्सनली आजकल ये यूज कर रही हूँ। मैं घर के लिए एक मिंट कलर की यूज करी, आई एम यूजिंग दिस वन फॉर होम, अदरवाइज मैं बाहर जाती हूँ तो ऐसी फैंसी स्क्रंचीज यूज कर लेती हूँ। अगर आपको नहीं पता है जो सैटन स्क्रंचीज होती है ना ये आपके बालों को कम से कम पुल करती है, प्लस इसे आपके बालों में फ्रिजीनेस नहीं होती। आप जब भी इसको हटाओगे या निकालोगे ना आपके बालों में कम से कम फ्रिज रहती है, आपके बाल अननेसेसरी पुल नहीं होते, बहुत जेंटल रहती है आपके बालों के लिए। नॉट जस्ट स्क्रंचीज, आजकल हेड बैंड भी सैटन के आ चुके हैं तो वो भी काफी सही रहते हैं अगर आपको फ्रिजीनेस का इशू है। ऑल्सो यू कैन स्विच टू सैटन पिलो कवर्स। आप जिस पिलो पर सोते हो उस पर जो कवर लगाते हो ना वो सैटन का आप ले सकते हो। मैंने बहुत पहले एक अमेज़न का हॉल बनाया था, मैंने उसमें आपको एक सेट दिखाया था जिसमें सैटन का एक पिलो कवर आता है विद मैचिंग स्क्रंचीज, वो आप सेट ले सकते हो। मैं नीचे लिंक भी कर दूंगी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। आई लव दैट वन, उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। उसमें सेट ऑफ टू आपको पिलो कवर्स मिलते हैं सैटन के, अच्छी क्वालिटी के मटेरियल के, आप उसको अपने पिलो पे लगा सकते हो। उस पर जब आप सोओगे आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, रैशेज नहीं पड़ते स्किन पे, प्लस आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। कहते हैं सैटन के पिलो कवर से आपके बालों में कम से कम फ्रिजीनेस होती है। जिनके बहुत ज्यादा कर्ली वेवी हेयर है, जिनके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी रहते हैं, उनके लिए ऐसे पिलो कवर्स एकदम परफेक्ट है। ऑल्सो इफ यू इंटरेस्टेड कि ये सैटन स्क्रंचीज हमें कहां से मिलेगी, आप मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, मैंने वहां पे एक आईजी हाईलाइट बनाया हुआ है इंस्टाग्राम स्मॉल बिजनेस के नाम से, आप उस हाईलाइट पे क्लिक करो, आपको बहुत सारे स्मॉल स्केल बिजनेस के पीआर
पीआर देखेंगे, जो भी लोग मुझे इंस्टा पे ऐसे पीआर देते हैं ना, मैं वहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। वहाँ पर जाके आप परचेज कर सकते हो, उनके पेज पे क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, यू कैन सपोर्ट देम एज वेल। प्लस आपको काफी अच्छी क्वालिटी की ऐसी स्क्रंचीज भी मिल जाती है। मैं ये वाला पेज भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने ऑलरेडी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली बाय दी। एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट हेल्दी हेयर टिप, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब कुछ भी लगा लो, कुछ भी यूज कर लो, फिर भी काफी लोगों को कंप्लेंट होती है कि हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। देखो, आपको एक्सटर्नली तो आपको कहीं ना कहीं अपने बालों का हेयर केयर करना ही करना है, लेकिन आपको इंटरनल फैक्टर्स पर भी फोकस करना है। मेक श्योर आप अच्छी डाइट ले रहे हो, अच्छी चीजें खा रहे हो, आंवला आप खाते हो, जो भी आप सीड्स खाते हो, नट्स खाते हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। सो काफी अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको बायोटिन बेस्ड कुछ ना कुछ रिकमेंड करते हैं। मैं वो नहीं करने वाली, बिकॉज आई थिंक डॉक्टर प्रिस्क्राइब हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। प्लस मैं बायोटिन बेस्ड कुछ लेती नहीं हूँ, बिकॉज बायोटिन की वजह से हार्मोनल एक्ने ट्रिगर हो जाते हैं। मैंने एक बार ली थी, मुझे काफी ज्यादा हार्मोनल एक्ने हो गए थे। तो उसके अलावा जो मैं नेचुरल मेथड यूज करती हूँ ना, आई कंज्यूम सीड्स, एंड ट्रस्ट मी, सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, नॉट जस्ट फॉर योर हेयर, फॉर योर नेल्स एज वेल। आप खुद देखोगे दोनों में फर्क। मैं मिक्स सीड्स खाती हूँ, मैं अपने लैपटॉप के साइड पर इसको रखती हूँ। दीज आर फ्रॉम द ब्रांड बीन ट्री के मिक्स सीड्स आते हैं, एंड आई कांट इवन टेल यू कि इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खाकर देखो, जो मिक्स सीड्स होते हैं, मैंने इससे पहले जो मेरे पास पैक था वो था मिक्स सीड एंड नट्स का, उसमें नट्स भी थे, आलमंड थे, कैश्यू थे। नट्स भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो मेक श्योर दिन में एटलीस्ट दो बार आप ऐसे सीड्स और नट्स कंज्यूम कर रहे हो। ये ओवरऑल आपके बॉडी को भी अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, प्लस आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी रोस्टेड सॉल्टेड होते हैं, आप अपने हाथ पे थोड़ा सा ले सकते हो, एंड कीप ऑन चूइंग इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। मतलब एकदम उसको ऐसे फटाफट खा के ऐसे कंज्यूम मत करो, इसको बहुत देर तक ना ऐसे च्यू करते रहो, आपके मुंह में इसका बहुत अच्छा एक पेस्ट बन जाता है, एंड देन आप उसको इजीली धीरे धीरे करके खा सकते हो। मैं पर्सनली ऐसी खाना प्रेफर करती हूँ। मैं काफी बार अपनी स्मूदीज पे, जो मैं मूसली खाती हूँ, दूध के ऊपर डाल के ले लेती हूँ। सो डेफिनेटली इफ यू आर फोकसिंग ऑन इंटरनल फैक्टर्स एज वेल, तभी आपके ओवरऑल हेयर ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। एंड दैट इज इट फॉर माय कशिका ज्ञान ऑन हेल्दी हेयर। आई होप ये सारी टिप्स आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। मैं इन सबको अच्छे से फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि ये सारी टिप्स आपको डेफिनेटली हेल्प करती है। आज की वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स की बात करी है, सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो प्लीज 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 चेक कर लेना, एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया हो तो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।